साउथ दिल्ली का मोहम्मदपुर गांव जो आरके पुरम और दिकाजी कामा प्लेस के बीच बसा हुआ है। यहां मुगल काल के कई टॉम्ब बने हुए हैं। मुगल काल से ही इस गांव का नाम मोहम्मदपुर है। यहां के बुजुर्गों का कहना है कि मुगल शासक जब यहां राज कर रहे थे तो उसी समय अपने हिसाब से नाम रख लिया था, लेकिन अब जब देश के कई शहरों का नाम बदल गया है, कई मुगलों के जमाने के सड़कों का नाम बदल गया, तो इस गांव के लोग भी अपने गांव का नाम बदल कर माधवपुरम रखना चाहते हैं, जिसके लिए गाँव के लोगों ने स्थानीय पार्षद भगत सिंह टोकस को मोहम्मदपुर गांव के नाम को माधवपुरम करवाने के लिए कहा। इनका कहना है कि मोहम्मदपुर गांव की कुल आबादी 20,000 है, जिसमें 97% हिंदू रहते हैं, इसलिए इस गांव का नाम माधवपुरम किया जाए, जिसके लिए साउथ एमसीडी की वार्ड कमेटी के मीटिंग में पार्षद भगत सिंह टोकस ने प्रस्ताव रखा, जिसके बाद सभी पार्षदों ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई, जिसके बाद साउथ एमसीडी के जॉन चेयरमैन सुभाष भराना ने इस प्रस्ताव को पास कर आगे की कमेटी में भेज दिया। पार्षद भगत सिंह टोकस ने कहा कि अब जल्दी ही साउथ एमसीडी के अलग अलग विभागों से पास होकर गृह मंत्रालय में भेजा जाएगा, वहां से प्राप्त होते ही मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलकर माधवपुरम कर दिया जाएगा। देखिए, आज जो मीटिंग थी उसके अंदर मैंने जो है मोहम्मदपुर गाँव का बदलने के लिए माधवपुरम नाम जो है आज प्रस्ताव मैंने रखा था वार्ड कमेटी के अंदर, और उसके अंदर सभी हमारे निगम पार्षद, चाहे वो किसी भी पार्टी के थे, सभी की सर्वसम्मति से वो प्रस्ताव हमारे जोन के चेयरमैन आदरणीय सुभाष भड़ाना जी के अध्यक्षता में आज वो प्रस्ताव पास हो गया है। इसके बाद जो है ये नेमिंग कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी और फिर हाउस में जाएगा, और निश्चित रूप से जो है कई वर्षों से जो है गांव के लोगों की ये इच्छा थी कि जब मुगलों ने जब इस देश पर राज किया तो दिल्ली के गांव नहीं, पूरे देश के गांव का, शहरों का उन्होंने नाम अपने हिसाब से रखे। तो अब क्योंकि लोग जो हैं जागरूक हो रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान का हमारा अपना इतिहास है, तो माधवपुरम नया नाम जो है आने वाले दिनों में मोहम्मदपुर गांव का रखा जाएगा। क्या वजह क्या है मोहम्मदपुर नाम रखने का? देखिए, ये माधवपुरम नाम रखने, देखिए मोहम्मदपुर जो है ये मुगलों ने रखा था, माधवपुरम जो है अब यहाँ के लोगों की इच्छा है। कितनी आबादी होगी लगभग और किस धर्म के लोग यहाँ ज्यादा है? देखिए, हमारे जो गाँव है इसके अंदर लगभग 97% जो है हिंदू समाज के लोग हैं, और ये पुश्तैनी गांव है, मोहम्मदपुर है, मुनीर का है ये, और आप साथ वाला गांव देखिए उसका नाम भी हिमायूपुर है, आप चले जाइए मसूदपुर है, बेरसराय है, जीएसराय है, ये सब मुगलों ने नाम रखे हुए हैं। तो हम जो है आने वाले दिनों में अपने जो बच्चे हैं उनको क्या मुगल काल ही पढ़ाते रहेंगे? जो हमारे 5 वर्षों की जो संस्कृति रही है भारत की, क्या उससे अवगत नहीं कराएंगे? आपने जो ये पहल की है गांव का नाम चेंज करने के लिए, ग्रामवासियों से किस तरीके का सहयोग? पूरे सब ग्रामवासी जो हैं बहुत खुश होंगे जिस समय इसका नाम जो है सरकारी तौर पर बदला जाएगा, क्योंकि सब गाँव के लोग जो हैं वो उनकी इच्छा है कि मोहम्मदपुर से जो है गांव का नाम बदला जाए।